क्या आपका मन पढ़ाई में नहीं लगता? क्या आपको पढ़ा हुआ याद नहीं रहता? क्या आपकी याददाश्त कमजोर है? क्या आप अपने मन पर काबू नहीं रख पाते? हमेशा इधर उधर मन भटकता ही रहता है। क्या आपका आत्मविश्वास कमजोर है? खुद पर भरोसा नहीं है? क्या आप जो करना चाहते हैं वो कर नहीं पाते? तो इसका एक ही कारण है, वो है ब्रह्मचर्य का पालन न करना। आयुर्वेद में कहा गया है, ब्रह्मचर्य शरीर के तीन स्तंभों में से एक है। आयुर्वेद में शरीर के तीन स्तंभ है, आहार, नींद और ब्रह्मचर्य। ऋग्वेद में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन किए बिना पूरी तरह बेहतर जीवन नहीं जी सकता। पतंजलि में कहा गया है कि ब्रह्मचर्य का पालन करने से इच्छा शक्ति प्राप्त होती है। आयुर्वेद ऋग्वेद में ये भी कहा गया है, याददाश्त स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए ब्रह्मचर्य अति आवश्यक है। ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा उदाहरण तो स्वामी विवेकानंद को माना जाता है, जिनकी बुद्धि इतनी तेज थी कि कुछ मिनट में पूरी किताब पढ़ लेते थे। स्वामी विवेकानंद की बातों से सिर्फ भारत के ही नहीं बल्कि विदेशों के लोग भी काफी ज्यादा प्रभावित हुए थे। आखिर ये ब्रह्मचर्य है क्या? ब्रह्मचर्य दो शब्दों से मिलकर बना है, ब्रह्मा और चर्या, जिसका अर्थ है ज्ञान प्राप्त करने में जीवन व्यतीत करना। ब्रह्मचर्य योग के आधार स्तंभों में से एक है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है सादा जीवन जीना, अच्छे विचारों के माध्यम से अपने वीर की रक्षा करना, यानी अपनी ऊर्जा गलत जगह बर्बाद न करना, ईश्वर का ध्यान करना और हमेशा सीखते रहना। ब्रह्मचर्य के जरिए हम अपनी ऊर्जा को सही दिशा और सही काम में लगाकर जल्दी कामयाबी हासिल कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज प्राप्त किया जा सकता है। यह इतना प्रभावशाली है कि वैदिक काल से लेकर वर्तमान समय तक सभी युगों में इसे अपनाने को कहा गया है। वैदिक काल के अनुसार ब्रह्मचर्य हमारे जीवन में उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि सांस लेना। ऐसी मान्यता है कि ब्रह्मचर्य के पालन से चेहरे में तेज बढ़ती है, एकाग्रता और दिमाग की शक्ति पहले से कई गुना ज्यादा बढ़ जाती है, स्किन में ग्लो आने लगता है, शरीर मजबूत बनता है, मन को काबू में करने की शक्ति आ जाती है। ब्रह्मचर्य के पालन से आंतरिक ऊर्जा जागृत होती है, मन शुद्ध और पवित्र हो जाता है। गलत या नकारात्मक विचार ब्रह्मचारी व्यक्ति को कभी प्रभावित नहीं कर पाता। स्कूल कॉलेज खुलने से बहुत पहले लगभग हर युग में हर काल में विद्यार्थियों को ब्रह्मचर्य की शिक्षा दी जाती थी। जब तक विद्यार्थी की शिक्षा पूरी नहीं हो जाती थी तब तक विद्यार्थी ब्रह्मचर्य का पालन करते थे। आज से हजारों साल पहले से ही हमारे ऋषि मुनि ब्रह्मचर्य का पालन करते आ रहे हैं। ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले या उसके नियमों को मानने वाले लोग अपनी प्रोफेशनल लाइफ में भी करियर में बहुत ही ज्यादा अच्छा परफॉर्म करते हैं और कामयाब होते हैं। उनके शरीर में हर समय एनर्जी बनी रहती है और मन प्रसन्न रहता है। उनके अंदर सकारात्मक ऊर्जा उन्हें कभी भी हारने नहीं देती और उनके अंदर अपनी बात प्रभावी तरीके से रखने की कला भी खुद ब खुद विकसित होने लगती है। उनकी बातों का प्रभाव लोगों पर जल्दी होता है और लोग उन्हें आदर्श मानने लगते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह स्वामी विवेकानंद को माना जाता है। अगर आप अपने मन, वाणी और बुद्धि को शुद्ध रखना चाहते हैं तो आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा। आयुर्वेद भी कहता है कि अगर आप पूरे 3 महीने तक ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं तो आपको मन, वाणी और बुद्धि की शक्ति में बदलाव महसूस होगा। जीवन के सबसे बड़े लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जीवन में ब्रह्मचर्य का होना बहुत जरूरी है। ब्रह्मचर्य का अभ्यास कैसे किया जाता है? क्या ब्रह्मचर्य का पालन करना आसान है? ब्रह्मचारी बनना आसान होता तो हर व्यक्ति कर पाता। लगभग 20 साल पहले तो फिर भी आसान हो सकता था, लेकिन इंटरनेट की दुनिया में ये सबसे कठिन काम है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है ब्रह्मा के रूप में सोचना। इसका मतलब है कि जो व्यक्ति हर पल अपने भगवान का ध्यान करता है वह पूरी तरह से ब्रह्मचारी है। ब्रह्मचर्य का पालन करने के लिए आपके शरीर, इंद्रियों, मन और बुद्धि की शक्ति होना मददगार होगा। ब्रह्मचर्य में क्या परहेज रखना चाहिए? ऐसी बहुत सी बातें हैं जिनसे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले लोगों को दूर रहना चाहिए, जैसे गंदी वीडियो देखने से। एक बार देखोगे बार बार उसी तरह की चीजें देखने के लिए आपका मन आकर्षित होगा, बार बार वही चीजें देखने लगोगे, फिर आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ने लगेगी, फिर आपके अंदर वासना को जगाकर आपको अपनी ओर खींच लेगा। रोज रोज वही चीजें देखकर मन कमजोर होने लगेगा, शरीर की शक्ति नष्ट होती चली जाएगी, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन चरित्र में इसका बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। अनजाने में आपके अंदर कुछ ऐसे बदलाव होने लगते हैं, ऐसी चीजें
देखने से जो आपको कमजोर बनाते चले जाते हैं। स्वास्थ्य पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आपके बोलने के तरीकों पर, आपके चरित्र पर बहुत ही गलत प्रभाव पड़ता है। यहाँ तक कि सोच को भी बहुत गलत तरीके से प्रभावित करता है। ब्रह्मचर्य के अनुसार लड़के लड़कियों को एक दूसरे को छूना नहीं चाहिए। अक्सर लड़के दूसरे लड़कियों को गंदे इशारे करते हैं, हंसते हैं, बातें करते हैं। ऐसे करने से वे अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए लड़कों को ऐसा करने से बहुत बचना चाहिए। लड़के लड़कियों को कभी भी किसी भी तरह से बुरी नियत से नहीं देखना चाहिए। अश्लील बातें नहीं करना चाहिए और अश्लील मजाक भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे मन के रोग होते हैं, मन कमजोर होता है और मन उसी दिशा में चलने लगता है। कुल मिलाकर जितना आप अपनी इच्छाओं पर काबू पा सकेंगे और विपरीत लिंग से जितनी दूरी बना सकेंगे, आप उतने ही बेहतर तरीके से ब्रह्मचर्य का पालन कर सकेंगे। इसका मतलब है कि आपके विचार सभी के लिए शुद्ध होने जरूरी है, और जिस भी वजह से आपके मन में बुरी भावनाएं आती है, जितनी जल्दी हो सके उनसे दूरी बना ले। विद्यार्थियों के लिए उनका ज्ञान ब्रह्मा के समान है, अर्थात विद्यार्थियों का कार्य केवल अपने ज्ञान को बढ़ाना है। विद्यार्थियों को ब्रह्मा के चिंतन के साथ साथ पूर्ण ध्यान लगाकर अपनी विशेषज्ञता हासिल करनी चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करने से उनकी बुद्धि प्रखर होती है, स्मरण शक्ति मजबूत होती है और चेहरे पर चमक आती है। स्वामी विवेकानंद ने स्वयं कहा था कि मात्र 12 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करने से विलक्षण योग्यता प्राप्त होती है। ब्रह्मचर्य के क्या क्या नियम होते हैं? ब्रह्मचर्य शरीर से ज्यादा मन पर आधारित है, इसलिए मन को काबू में रखें और अपने सामने उच्च आदर्श को रखें। अपने रूम में अपने आदर्श की फोटो को चिपका लें। अगर आप स्वामी विवेकानंद को अपना आदर्श मानते हैं तो उनकी फोटो चिपका लीजिए। नंबर 2, आंख और कान मंत्री है, इसलिए गंदी तस्वीरें और बदसूरत चीजें देखने और गंदी बातें सुनने से बचे, इससे भी आपका मन प्रभावित होता है। नंबर 3, मन को हमेशा कुछ न कुछ चाहिए होता है। जब आप खाली होते हैं तो आपका मन और ज्यादा भटकने लगता है और आपके मन में गंदे विचार, नकारात्मक विचार आने लगते हैं, इसलिए कभी भी खाली न बैठे, कुछ न कुछ करते रहे। नंबर 4, जैसा खाओगे वैसा मन रहेगा, इसलिए गरम मसाले, चटनी, गरम खाना तथा मांस, मछली, अंडे, चाय, कॉफी, फास्ट फूड आदि न खाएं। इनसे आपका पेट खराब होगा। कई बार पेट की खराबी की वजह से भी मन में गलत और गंदे विचार आने लगते हैं। नंबर 5, रात का खाना सोने से कम 2 घंटा पहले ही खा ले, उसके बाद ही सोए। नंबर 6, दूध भी एक तरह का भोजन ही है, इसलिए भोजन और दूध के बीच कम से कम 3 घंटे का अंतर तो होना ही चाहिए। नंबर 7, हमेशा सकारात्मक सोच रखें और अच्छी किताबें पढ़ने की आदत बनाएं। नंबर 8, रीढ़ की हड्डी के सहारे कभी भी सीधा ना सोए, हमेशा करवट लेकर सोए। अगर आप खाट पर सोते हैं तो वो खाट मजबूत होनी चाहिए, अधिक नरम आरामदायक बेड नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 9, सुबह जल्दी उठे, ब्रह्म मुहूर्त में उठे, 3 बजे नहीं तो 4 बजे तो कम से कम उठ जाइए। 4 बजे भी नहीं उठ पाते तो 5 बजे के पहले उठ जाइए। 5, 6 या 7 बजे तक कभी ना सोए। नंबर 10, पान मसाला, गुटखा, सिगरेट, शराब, चरस, अफीम, गांजा आदि सभी नशीली चीजों से दूर ही रहे। नंबर 11, चिपचिपी चीजें जैसे भिंडी, कैक्टस आदि चीजें खाए। नंबर 12, रोज रात को सोने से पहले पेट पर ठंडा पानी डाले, इससे पाचन क्रिया ठीक रहेगी। नंबर 13, अपच और गैस से खुद को बचाए। नंबर 14, सुगंध, लैवेंडर और परफ्यूम से दूर रहे। ऐसी किताबें ना पढ़े जो इंद्रियों को उत्तेजित करती हो, ना ही ऐसी फिल्में, ऐसे वीडियो या ऐसे नाटक देखे, बल्कि ऐसे वीडियो देखे जो ज्ञान नॉलेज को बढ़ाता हो, जो आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा को भरता हो। नंबर 16, प्रतिदिन सुबह और शाम व्यायाम करें, आसन करें और प्राणायाम करें। एक्सरसाइज, प्राणायाम, ध्यान करके शरीर की ऊर्जा को मस्तिष्क तक खींचने का प्रयास करें। ऊर्जा को नष्ट करने के बजाय ऊर्जा को सही दिशा में जरूरी काम में लगाइए। नंबर 17, किसी के प्रति भी गलत भावना न रखे। नंबर 18, जब भी मन भटकने लगे, गलत चीजों की ओर जाने लगे, तो तुरंत ही कुछ और फिजिकल काम करना शुरू कर दे। अपनी ऊर्जा को जरूरी काम में तुरंत ही लगाए। फैमिली के पास जाकर बैठे, तुरंत ही मन को डाइवर्ट कर दे, जिससे मन नहीं भटकेगा। नंबर 19, हर दिन पूजा जरूर करे और ईश्वर से प्रार्थना करे कि मेरे अंदर जो भी बुराई है उसका नाश हो और मुझ में ब्रह्मचर्य का पालन करने की शक्ति आए,
मैं सदैव सकारात्मक रह सकूं ऐसी शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से प्रार्थना करें। नंबर 20, हर सुबह उठते ही अपने आप से कहे, मैं ब्रह्मचारी हूं, मैं मजबूत हूं, मैं जो संकल्प करता हूं उसे पूरा करता हूं। और रात को सोते समय भी यही बातें बार बार अपने आप से दोहराए। इन सारी बातों का पालन करके आप ब्रह्मचर्य का पालन कर सकते हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं बहुत ही कम लोगों ने वीडियो को लास्ट तक देखा होगा। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देखा है तो मुझे विश्वास है कि आपके अंदर ब्रह्मचर्य का पालन करने की पूरी पूरी शक्ति और सामर्थ्यता है। तो दोस्तों, इस वीडियो के नीचे कमेंट में लिखकर जरूर जाना कि आप शुरुआत में 30 दिनों तक ब्रह्मचर्य का पालन करोगे, उसके बाद इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते चले जाओगे। क्या आप ब्रह्मचर्य का पालन करने के इस चैलेंज को स्वीकार करते हैं? अगर स्वीकार करते हैं तो लिखिए चैलेंज एक्सेप्टेड। विश यू ऑल द बेस्ट। दोस्तों, मैं शिवानंद साहू आपके सपनों को दिल से सपोर्ट करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।